तो 3 और 4 मार्च को क्या खास था पता नहीं, लेकिन इन 2 दिनों में टोटल 5 मूवी का ट्रेलर रिलीज किया गया है, जिसमें कि सीक्रेट इन्विजन, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स, एक्सट्रैक्शन 2, बार्बी एंड ब्लू, ये नहीं ब्लू बीटल। लेकिन इस वीडियो में हम किस ट्रेलर के बारे में बात करेंगे वो आपको टाइटल पढ़ के पता चल गया होगा, जो की एक्सट्रैक्शन 2, जो की सीक्वल होने वाला एक्सट्रैक्शन का, जो की नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था 2020 में, जिसमें की थॉर को प्ले करने वाले एक्टर यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ थे। एंड नेटफ्लिक्स ने इस मूवी को मोस्ट वॉच्ड मूवी इन द हिस्ट्री ऑफ नेटफ्लिक्स कहा था। अब ये सच था या झूठ मुझे पता नहीं, लेकिन उस टाइम मैंने ये मूवी देखी थी एंड मुझे मूवी ओके ओके लगी थी। वैसे ये सच भी हो सकता है, क्योंकि लोगों का मूवी देखना इस पे भी डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा एक्टर है। एंड क्रिस हेम्सवर्थ तो फेमस है ही, एंड ऊपर से इस मूवी के राइटर एंड प्रोड्यूसर रूसो ब्रदर्स है, एंड इन्होंने इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम को डायरेक्ट किया था। तो बात करें एक्सट्रैक्शन 2 के ट्रेलर की, तो ये ट्रेलर कम एंड टीजर ज्यादा लग रहा है, क्योंकि इसे देखने से हमें मूवी के बारे में कुछ ज्यादा आइडिया नहीं लगता है, बल्कि इस ट्रेलर में हमें स्पेशली सिर्फ फाइट सीन को दिखाया गया है। वैसे मुझे जितना आइडिया आया है, तो ये मूवी हॉलीवुड की बाकी एक्शन मूवी को फॉलो करती है, जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को एक नए फिल्म के साथ एक नया मिशन दिया जाता है। एंड इसमें भी टाइलर यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ को एक नए डेडली मिशन पर भेजा जाता है, एंड इस मिशन में उसे एक जॉर्जियन गैंगस्टर के फैमिली को बचाना, जिसे कैद करके प्रिजन में रखा गया है। एंड ट्रेलर में हमें जो ये लड़की दिखाई देती है, ये उसी गैंगस्टर की फैमिली है। ट्रेलर के इस सीन में हम टाइलर को इन लोगों से इस लड़की को बचाते हुए देख सकते हैं, एंड जिस तरह से टाइलर इस सीन में इन लोगों को अकेले मार रहा है, इसे देखकर मुझे कसम से RRR के रामचरण का वो एंट्री वाला सीन याद आ गया, जहाँ पर वो अकेले इन लोगों से भिड़ गया था। अब इसके बाद इसी सीन में हम टाइलर को फ्लैशबैक आता देख सकते हैं, उस सीन का जब उसे एक्सट्रैक्शन 1 के एंडिंग में गोली लगी थी। अब जिसने भी इसका पार्ट 1 देखा है तो उसे पता होगा कि उसके एंडिंग में टाइलर को गर्दन पर गोली लगी थी, उसके बाद वो पानी में गिर गया था। तो उसके बाद वो कैसे बचता है वो हम टाइलर के फ्लैशबैक में देख सकते हैं। वैसे शायद रिकवर होने में उसे महीने लग गए थे, क्योंकि हॉस्पिटल में आप उसे बढ़े हुए दाढ़ी के साथ देख सकते हैं। उसके बाद हमें इस ट्रेलर में दूसरा फाइट सीन देखने को मिलता है, ये हेलीकॉप्टर वाला, जहाँ पर टाइलर टाइगर श्रॉफ से प्रेरणा लेते हुए इस हेलीकॉप्टर को मशीन गन से उड़ा देता है। सॉरी, उड़ाता नहीं है, बल्कि नीचे गिरा देता है। हेलीकॉप्टर को गिराना तक तो नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद जो टाइलर हमें खड़े होते हुए दिखता है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो, ये सीन काफी कूल लग रहा था। अब इसके ट्रेलर में सिर्फ फाइट सीन दिखाया गया है, तो ये पक्का है कि मूवी में हमें भर के एक्शन देखने को मिलेगा, एंड वो रहना भी ऑब्वियस है, क्योंकि एक्सट्रैक्शन 1 एंड 2 दोनों के जो डायरेक्टर है उसका नाम है सैम हार्ग्रेव, जो कि रियली में एक स्टंटमैन है, एंड एक्सट्रैक्शन उनकी एज ए डायरेक्टर फर्स्ट मूवी थी। एक्सट्रैक्शन 1 एंड 2 ये दोनों मूवी बेस्ड है ग्राफिक नॉवेल पे, जिसका नाम है सुडाड, एंड सुडाड एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है सिटी, एंड इस ग्राफिक नॉवेल को लिखा है एंडी पार्क एंड रूसो ब्रदर्स ने, मतलब ये दोनों रूसो ब्रदर्स जो भी काम करते हैं वो दोनों साथ में करते हैं, चाहे वो मूवी डायरेक्ट करना हो, प्रोड्यूस करना हो या राइट करना हो। लगता है इन दोनों ने धूम 3 के आमिर खान की तरह ये प्रॉमिस किया है कि साथ नहीं छोड़ना एंड हाथ नहीं छोड़ना। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं, एंड अगर अभी तक कोई वीडियो देख रहा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।